पत्ते जमीन पर नहीं गिरा, इसकी नजरों से गिर गया सचमुच। अम्मा आपने मरवा दिया मुझे। पापा इतना बड़ा धोखा दिया है ना दोनों ने मुझे मिलकर, और आप कह रहे हैं कि मैं मामा से बात करूं। ना ही मुझे मामा से बात करनी है ना ही उनके दामाद से। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तारा तुम ये शर्त वाली बात भूल नहीं सकती हो क्या? तुम ये जॉब वाली बात नहीं भूल सकते हो? मेरे करियर का मामला है, मैं कैसे भूलूंगा वो? साहब जब तुम मेरी जिंदगी में आए थे ना ही तुम्हारा कोई करियर था और ना ही कोई तुम्हारी जॉब थी। तुम क्या चाहती हो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही घूमता फिरता रहूं? सारे मुझे तुम्हारी जॉब के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे हो मैंने तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है। हाँ तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा तारा, तुम तो अपना कमाती हो, मोहताज नहीं हो मेरी। मुझे तो लगता है कि मेरे होने या ना होने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सारे? तुम अपनी जिंदगी से चीजों और रिश्तों को माइनस करना बहुत अच्छे से जानते हो। तुम एक ही लम्हे में हर उस शख्स की नफी कर देते हो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने किसकी नफी की है? सफो चची की। मेरे एग्जाम्स की नाकामी तुमने उनके खाते में डाल दी, और फिर तुम्हारे सगे बाऊजान जो तुम्हें लगता है तुम्हारे फ्यूचर में सबसे बड़ी रुकावट है, और उसके बाद तुम उन्हें सॉरी तक नहीं कहते। सॉरी किस बात की? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है सारे। तुम्हें कोई चीज गलत लगे तो तुम सॉरी कहो ना, और सॉरी भी क्यों कहोगे तुम? तुम्हारा तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। रिश्तों का क्या है, वो तो जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर बन ही जाएंगे। इंसान को ना बस सेल्फिश होना चाहिए तुम्हारी तरह। सेल्फिश हूं मैं। आप इधर कोई अपने सवाल का जवाब मांगने तो नहीं आ गए? जिंदगी का मजा लेने आया हूं, चाय पीकर। यार कम से कम जॉगिंग करते हुए तो चाय को छोड़ दे। जिंदगी के किसी मामले में ना